हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पैनल फॉर्म की है साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड। तो डेफिनेटली आप लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सुना ही होगा। तो आज हम इस विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली है क्या, यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसको अगर इम्प्लीमेंट करना भी पड़ा तो क्या क्या अमेंडमेंट हो सकती है, क्या पास्ट में ऐसे कुछ कमीशन जो है उसको फ्रेम किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है पॉलिटी, जो आपके एक बोथ प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल जो है फॉर्म किया है, और उसके जो हेड होंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पैनल एक्सप्लोर करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसको क्या फिजिबल है, क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो देखिए, हम जो बात करते रहते हैं साइमुलटेनियस इलेक्शन, तो साइमुलटेनियस इलेक्शन जो अभी इंडियन इलेक्शन साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, तो यहाँ पे मेनली कहा जा रहा है कि एक ही टाइम में लोकसभा इलेक्शन और जो विधानसभा इलेक्शन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों की ही इलेक्शंस एक ही टाइम में करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी वोटर्स है, ये वोटर्स अपना वोट को कास्ट कर पाएंगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक ही दिन। ये एक ही दिन हो सकता है, एक सेम टाइम में हो सकता है, या फिर अलग अलग फेजेस में भी हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि आपके स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है, या फिर लोकसभा में इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन हो रहा है, तो पूरे स्टेट में एक ही दिन नहीं होता है, अलग अलग फेजेस में होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए फेज अलग होगा और विधानसभा इलेक्शन के लिए फेज अलग होगा, तो हो सकता है, लेकिन एक ही टाइम में होगा। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि करंट इलेक्टोरल सिस्टम में क्या होता है कि भारत में सेपरेटली इलेक्शंस होती है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अभी देखें कि आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में है, लेकिन आप जिस स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो स्टेट में जो है इलेक्शन कुछ टाइम पहले हो चुका है, या फिर 2026 में होने वाला है, अलग अलग हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों को ही एक साथ जो है 2024 या किसी भी टाइम जो है उसको एक साथ जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन के टाइम में। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे सिचुएशन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो भले ही वो 2 साल पहले जो है गवर्नमेंट बन चुकी है, उसको प्री मेच्योरली जो है उसको डिजॉल्व कर दिया जाएगा, ताकि फिर से जो है इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऐसा होता है कि हर स्टेट में या फिर दिल्ली और पुडुचेरी में जहाँ पे इलेक्शंस होती है, तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो है हर 5 साल में एक साइकिल में चलती रहेगी, एक ही साथ चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है, पहले भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट होते थे भारत में इंडिपेंडेंस के बाद, 1952, 1957, 1962 और 1967, यानी कि 15 साल जो है लगभग ऐसे ही फॉर्मेट में जो है इलेक्शंस कंडक्ट होती थी। लेकिन उसके बाद जो है अलग अलग टाइम में स्टेट गवर्नमेंट की सरकार जो है वो गिरने लगी, फिर से होने लगी, तो ये साइकिल थोड़ा चेंज हो गया और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन फिर भी भारत में अभी भी 4 ऐसे राज्य हैं जो लोकसभा के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। कौन सी राज्य हैं यहाँ पे? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, दोनों ही जो है लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन एक ही साथ कंडक्ट करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो पहले तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है कि रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। तो भारत में अगर मान लीजिए कि 28 स्टेट्स है और 2 यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो 30 जगहों में इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो खर्चा होगा ये नील हो जाएगा, लोकसभा के साथ ही जो इलेक्शंस होगी उसके साथ ये खर्चा जो है एक्सपेंसेस मर्ज हो जाएगी। तो बहुत एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। इफेक्टिव गवर्नमेंट्स, यहाँ पे अगर बात करेंगे जिस तरीके से मेनली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद जो भी सरकार आएगी इफेक्टिवली काम कर पाएगी, बेटर डिसीजन मेकिंग, जो भी यहाँ पे स्टेट है, जो लोग हैं उन लोग खुद
खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे ठीक है और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल पे ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली का मान लीजिए कि दिल्ली में जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में आप की गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल में जो है वहाँ पे ज़्यादातर बीजेपी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, तो ये डिसीशन जो है जो वोटर्स है खुद से ले सकते हैं। इफेक्टिव तरीके से जो है इलेक्शन को कंडक्ट किया जा सकता है, इफिशियंट तरीके से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और सोशल फैब्रिक ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है ड्यूरिंग इलेक्शंस, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके जो है वोट को जो है एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि खरीदा जा सकता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ऐसे प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली कम हो जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला जो है यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शंस, जो ऑलरेडी मैंने कहा कि मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर है 5 साल का है, और मान लीजिए कि 2024 में, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही पूरे देश में अनाउंस कर दिया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली की भी इलेक्शन होगी, और मान लीजिए कि एक जो स्टेट में 2023 में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो चुका है और गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, तो क्या एक साल के बाद यहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा? तो इस गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ था उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि प्री मेच्योर डिसॉल्व। तो उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे अमेंडमेंट की भी जरूरत होगी, थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के साथ यहाँ पे अकाउंटेबल है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो देखिए कि ऐसा ना हो कि जो मेन स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाए। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि ये एंटी फेडरल हो सकती है, यानी कि देखिए जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होती है, पर्टिकुलर फोकस उस स्टेट की लोकल प्रॉब्लम्स पे होती है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन अगर एक ही साथ होने लगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है और कंपेरेटिवली जो स्टेट प्रॉब्लम्स में फोकस कम हो जाएगी। तो ये भी एक एंटी फेडरल, एक आप बोल सकते हैं ये भी इम्पेक्ट कर सकती है, एंटी डेमोक्रेटिक। क्या यहाँ पे भारत के जो जनता ये चाहती है कि दोनों की ही इलेक्शन एक साथ होनी चाहिए? ये जो है एक कमीशन, कुछ पैनल के जो एक्सपर्ट लोग भले ही यहाँ पे डिसाइड करें, लेकिन क्या भारत की जनता ये चाहती है? ये एंटी डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। दूसरी बात है कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस। तो ये इलेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि जब भी देखिए आप वोट देने जाएंगे, आपको 2 ईवीएम चाहिए होगा। एक ईवीएम में आप जो है लोकसभा के लिए वोट करेंगे और एक जो है आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के लिए वोट करेंगे, यानी कि 2 अलग अलग ईवीएम्स होंगे। आप किसी भी एक पार्टी को वोट कर सकते हैं या भी 2 अलग अलग पार्टी को वोट कर सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसे सिचुएशन में आपको अगर पहले एक ईवीएम लगता था, एक ईवीएम में आप वोट करते थे, अभी 2 ईवीएम लगेंगी, तो उसके लिए लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस भी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में कुछ कुछ अमेंडमेंट जो है करने पड़ेंगे। आर्टिकल 83 की ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि 2026 से इसको स्टार्ट किया गया और 2024 में नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो इसको जो है 5 साल का टेन्योर को इसको कम करके इस पर्टिकुलर टाइम के लिए 2 साल का करना पड़ेगा, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ऐसे सिचुएशन में हम लोग अगर मानते हैं कि जो अगर मेजोरिटी नहीं रहते तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पावर के अलावा भी इसको डिसॉल्व करना पड़ सकता है। सेम सिचुएशन आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि आर्टिकल 172 में सेम जो टर्म जो है 5 साल का है उसको कम करना पड़ सकता है या फिर बढ़ाना भी पड़ सकता है अलग अलग सिंक्रोनाइज करने के लिए लोकसभा के साथ। सेम सिचुएशन जो है स्टेट लेजिस्लेचर में जो है गवर्नर के पास पावर होते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर सिंक्रोनाइज करना हो तो उसको पावर को अलग चेंजेस करने होंगे। आर्टिकल 356 में अगर बात करेंगे जो प्रेसिडेंट रूल है यहाँ पे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी एक स्टेट में फेलियर हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट अपने एक एजेंट के थ्रू। तो यहाँ पे अगर किसी भी स्टेट में अगर ऐसे पॉसिबिलिटी भी है, तो उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे इलेक्शंस को कंडक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट में जो है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 और उसके जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है उसको भी यहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। तो देखिए अभी जो फिलहाल ये पैनल को फॉर्म किया है, इससे पहले भी ऐसे पैनल फॉर्म किए गए थे, ऐसे कमीशन फॉर्म किए गए थे। 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेकमेंड की थी कि साइमुलटेनियस इलेक्शंस या फिर साइमुलटेनियस पोल्स को कंडक्ट करना चाहिए। 2015 में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है ऑन
पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, जिसके अलग अलग हेड हुआ करते थे, तो वो भी जो है एक रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था, फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनके ऊपर भी उन्होंने सहमति जताई थी कि इलेक्शंस जो है साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो ये आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ये लॉ कमीशन को भी रेफर किया गया था ताकि एग्जामिन किया जा सके, उसके प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन को क्या फ्रूटफुल बनाया जा सके। लेकिन 2018 में लॉ कमीशन ने बोला कि हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन में साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो है नहीं हो सकती है। तो फिलहाल 5 साल के बाद जो है अभी फिर से इसको फ्रेम किया गया है, फिर से वो एग्जामिन करेगी अलग अलग पहलुओं के ऊपर, अपना रिपोर्ट देगी और उसके ऊपर ये डिसाइड होगा कि क्या इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द फैक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया है जिसके हेड होंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी वाइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।